वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन टैग के बारे में। जी हाँ, क्वेश्चन टैग मैंने आपको बताया, क्वेश्चन टैग जो आपके होते हैं ये पूरे क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि एक सेंटेंस होता है, बल्कि एक स्टेटमेंट होता है कि बस प्रश्न का, बल्कि क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है बस थोड़ा सा प्रश्न का। क्वेश्चन टैग का यूज बस जब हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कभी भी जब कन्वर्सेशन होती है तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, जो सुनने वाले को ध्यान में, जो हमारे स्टेटमेंट को अपने अट्रैक्ट करने के लिए, वजन डालने के लिए बात, या फिर अपने किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए, अपने जो स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इसको मैं हिंदी में प्रश्न पूछल्ले कहा जाता है, प्रश्न पूछल्ले। जी हाँ, जैसे भाई मैं वाइन नहीं पीता। अच्छा नहीं पीते? अच्छा नहीं पीते, तो ये जो हम कहते हैं ना, ये ही आपके कहलाते हैं क्वेश्चन टैग। अच्छा नहीं पीते क्या? अच्छा नहीं पीते क्या, या कन्फर्म करने के लिए पूछ, या फिर उसका मेनली उसका जो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो करते हैं ना, वो क्वेश्चन टैग होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन टैग के 13 रूल बताऊंगा। पहला रूल जो है आपका, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ आपको स्ट्रक्चर के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स। क्वेश्चन टैग का जो मोर मेन काम जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स पर डिपेंड करता है। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर मैं आपको अभी भी समझा देता, अगर आपको टेंस नहीं आते, अगर आपको टेंस अच्छे से नहीं आते हैं, टेंस का फुल नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियसली वीडियो में देख सकते हैं, टेंस के वीडियोस में पूरा मैंने एक एक टेंस का एक एक एक्सप्रेशन के साथ बनाया हुआ है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आपको क्वेश्चन टैग बनाना भी नहीं आएंगे, तो पहले आप उसे देखें फिर आप ये वीडियो देखें। तो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन टैग में क्या होगा आपका, इसमें आपको मैं बता देता हूँ आपको जो क्वेश्चन जो टैग जो होते हैं, जैसे यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होती है, तो इनमें आपको एब्रीवेशन यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एब्रीवेशन यूज करते हैं। जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, विल नॉट का वॉन्ट, कैन नॉट का कैन, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दिया, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पहला रूल खत्म होता है जिसमें एब्रीवेशन यूज करते हैं आपको नेगेटिव में। सेकेंड रूल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जी हमें आपको पता, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। जी हाँ, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका जो सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। सेकेंड रूल क्या है, सिंपल, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका क्वेश्चन टैग, आपका जो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। समझ में आया? तो इसको जैसे आप, जैसे जो भी नेगेटिव आपका होगा, तो जैसे, और इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव के लिए बनेगा तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट का एब्रीवेशन बनता है एंड डैश, एब्रीवेशन बनेगा, नॉट नहीं लिखना हमें, प्लस सब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। और आपको इसमें बताता हूँ, हमेशा जो क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। हाँ, तो अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 होता है आपका, क्वेश्चन टैग के साथ नाउन कभी नहीं लगता है। जी हाँ, जैसे किसी का नाम लिखा है राम, सीता, कमल, जो भी लिखा है, इसमें राम की जगह राम ना लग के ही लगेगा, मतलब आपका यहाँ पे नाउन यूज नहीं करते, प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउन यूज नहीं करते, प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अगर आपका राम लिखा है तो राम का हो जाएगा ही, सीता लिखा है तो शी, मतलब जो नेम है आपका नाउन की जगह क्या यूज होगा, आपका प्रोनाउन यूज होगा। जी हाँ, क्या यूज होगा? प्रोनाउन। अब आते हैं फोर्थ रूल में। फोर्थ रूल में क्या, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, आपको बता दूं टेंस में केवल दो ही ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। इन दोनों टेंस में आपके जो टेंस के सेंटेंस जो होते हैं, इन्हीं में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी हर एक टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस करना पड़ेगा। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस है तो आपका इसमें आपको डोंट या डजंट का यूज करना है, और सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस है तो आपको डिडंट का यूज करना है। जी हाँ, बिल्कुल टेंस पे डिपेंड करता है, आपको टेंस आते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए तो आपको डोंट, डजंट या डिडंट का यूज करना है। अब आपका आता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 आपका, यदि आपका जो बोलने वाला है उसका स्टेटमेंट जिसमें आपका क्या सब्जेक्ट जो होता है, अगर एक पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में वही पर्सनल प्रोनाउन आपका यूज किया जाएगा, लेकिन चाहे वो जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाए अगर उसका नाम है तो उसकी जगह भी आपका पर्सनल प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। जैसे कोई जेंडर, जेंडर आपके जैसे मेल या फीमेल के लिए, नंबर के लिए, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से होगा उसमें यूज। जैसे जेंडर है तो ही शी, अगर आपका कोई मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो शी आएगा, और सिंगुलर प्लूरल तो दे दें, उस हिसाब से यूज करेंगे आपका
क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन, जैसे आपका सिंगुलर आएगा तो ही का यूज करें, जैसे इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, तो इट या इजंट इट, इसका क्या होगा इज इट, सॉरी क्या होगा इज इट, इट इज नॉट करेक्ट, तो इसका हो जाएगा इज इट, इज इट, इस तरीके से। जैसे राम एंड सीता आर स्विमिंग, राम एंड सीता आर स्विमिंग, तो इसका हो जाएगा अरेंट दे, अरेंट दे, तो राम एंड सीता दो हो रहा है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे दे यूज करें, अरेंट दे, राम एंड सीता, ही एंड शी यूज नहीं करेंगे, राम एंड सीता की जगह राम एंड सीता आर स्विमिंग, तो इसका हो जाएगा अरेंट दे, अरेंट दे, अरेंट दे। तो ये आपका सिंपल। अब आते हैं अगले रूल पे, आते हैं रूल नंबर सिक्स। तो रूल नंबर सिक्स में यदि आपके स्टेटमेंट में किसी क्वेश्चन में किसी सेंटेंस में देयर दिस दैट दोज, देयर दिस दैट दोज दीज आदि सब्जेक्ट आती है, सब देयर दीज दोज ये सब्जेक्ट आती है, तो इसमें क्वेश्चन टैग में इनके यूज आपको इस तरीके से करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट देयर होता है तो क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट देयर ही आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट देयर होता है तो क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट देयर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट बन है तो आपका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बन आएगा। दिस आपका इट हो जाएगा, दैट आपका भी इट हो जाएगा, दीज आपका दे हो जाएगा, दोज आपका दे हो जाएगा। जी हाँ, इनको आपको चेंज को समझना पड़ेगा, इन चेंज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, तो इसका जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट देयर, इजंट देयर, देयर का देयर ही रहेगा, लेकिन वन कैन होल्ड इट, वन कैन होल्ड इट, ये क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा कैंट वन, कैंट वन, वन आपका वन ही रहेगा, लेकिन दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, तो इसका क्या हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट, यहाँ पे आपका दिस की जगह क्या आ रहा है इट आ रहा है, दैट इज हिज हाउस, दैट इज हिज हाउस, इजंट इट, दैट की जगह भी क्या आ रहा है आपका इट आ रहा है, दैट की जगह भी आपका क्या आ रहा है इट आ रहा है, दीज आर एनिमल्स, दीज आर एनिमल्स, तो इसका क्या होगा दीज की जगह क्या आएगा दे, एरेंट दे, एरेंट दे, तो इस तरीके से आपके हो। अब आता है रूल नंबर सेवन। रूल नंबर सेवन, यदि आपका वन दिस दैट देयर दोज, जो आपके सेंटेंस में आपका इनका यूज एक ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, किसकी तरह हो रहा है सब्जेक्ट की तरह नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, तो इसमें आपका जो होगा इनके साथ कोई नाउन आया है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट नाउन के जेंडर एवं पर्सनल के अनुसार, पर्सन के अनुसार करते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वन दिस दैट दीज ये आपके सब्जेक्ट की तरह ना होकर एडजेक्ट की तरह वर्क करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके साथ अगर जो भी नाउन आता है क्वेश्चन टैग में वो जो नाउन उसको जेंडर या पर्सन के हिसाब से करते हैं, जेंडर या पर्सन के हिसाब, जैसे कैसे करते हैं देखिए, जैसे वन मैन कैन पुल इट, वन मैन कैन पुल इट, तो कैन ही इसमें वन नहीं आएगा, वन वन सब गए, तो पर्सन के इट के हिसाब से कैच का कैन ही मैन के, वन मैन तो मैन के लिए क्या आएगा ही, तो वन मैन कैन पुल इट, तो कैन ही, दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो क्या हो जाए वॉजेंट, वॉजेंट शी, गर्ल की बात हो रही ना तो वॉजेंट शी, वॉजेंट सी, तो आया समझ में, जैसे दिस बुक इज वेरी यूजफुल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, तो क्या हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट, बुक के लिए इट यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर सेवन खत्म होता है। अब आते हैं रूल नंबर एट पे। रूल नंबर एट क्या है, यदि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपका नो वन, नन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एनी एवरीबडी, समबडी या नोबडी, इस तरीके के ना बडी, एवरीबडी, इस तरह के सेंटेंस आपके आते हैं, इस तरह के आपके सब्जेक्ट आते हैं आपके इसमें किसी भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन टैग में आपका हमेशा सब्जेक्ट आपका दे होगा, क्या होगा सब्जेक्ट आपका दे होगा, जैसे नन कैन से सो, नन कैन से सो, तो इसका हो जाएगा कैन दे, कैन दे, या नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, नो वन, नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, तो इसका क्या होगा डिड दे, तो इसका नो वन, सम वन, समबडी, एनी वन, नो बडी, इनमें सभी में आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है वो दे हो जाता है, नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, तो इसका डिड दे, Someone invited me, क्या हुआ? Didn't they use हो रहा, didn't they, nobody has punished, तो इसका क्या हो जाएगा, nobody has punished का, didn't they, ये आपका रूल नंबर एट फिनिश होता है। अब आते हैं रूल नंबर नाइन पर। रूल नंबर नाइन, अगर किसी सेंटेंस में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग ये होता है, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग होता है, तो आपका इसमें सब्जेक्ट इट होगा, क्या होगा सब्जेक्ट आपका इट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एवरीथिंग इज अरेंज्ड,
एवरीथिंग इज अरेंज्ड, तो एवरीथिंग में क्या क्या समझ आएगा, इजंट इट समथिंग इज मिसिंग तो इसका क्या होगा, इजंट इट एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग, सभी में क्या आएगा आपका इट आएगा। अब आते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 क्या होता है, यदि आपके, मैं आपको बता दूं, अगर आपके ये सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में से ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, जी हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस या नीदर ऑफ अस, इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टाइप यूज करेंगे आपको वी करेंगे, वी क्या यूज करेंगे, वी करेंगे, जैसे ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड इसका होगा एरेंट वी ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। अब इसमें आपको मैंने बताया नहीं, अगर आपका एस की जगह यू या दे आ जाए, अगर आपका एस की जगह दे आ जाए या फिर आपका यू आ जाए तो दे का देम हो जाएगा और यू का आपका यू ही रहेगा, जैसे ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड तो एरेंट यू ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड एरेंट दे और ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड एरेंट वी, तो एस का भी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड तो एरेंट दे। तो ये आपका रूल नंबर 10 फिनिश होता है। अब आते हैं रूल नंबर 11 पे। जब आपका रूल नंबर 11 होता है, जब आपके सेंटेंस में आई एम का प्रयोग हो, आई एम का यूज करें, तो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको क्या बनाना, नेगेटिव में बनाना, तो आप इसमें एंट का यूज नहीं करेंगे, एंट यूज नहीं करें, इसमें आपको अरंट लिखना पड़ेगा, जी हाँ अरंट यूज करते हैं बस, लेकिन आपका जैसे, लेकिन इसको अफर्मेटिव बना तो एम आई बनाएंगे, एम आई वहां पे आप एम का यूज करेंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो एंट यूज नहीं करेंगे, अरंट यूज करेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू मीट हर तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो आपका आई एम गोइंग टू मीट हर तो अरंट आई तो आपका एंट आई नहीं आएगा, अरंट आई आएगा, ये ध्यान रखें इसमें। और जैसे आपका हो जाएगा आई एम नॉट योर फ्रेंड तो एम आई, इसमें आपने सिंपल बनाया तो एम आई आएगा, एम आई, लेकिन नेगेटिव बना दी जैसे आई एम नॉट योर फ्रेंड तो इसका क्या होता, सॉरी आई एम योर फ्रेंड नेगेटिव बनाना तो आई एम योर फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा एरेंट आई और आई एम नॉट योर फ्रेंड तो एम आई और आई एम योर फ्रेंड अरेंट आई, समझ में आया, ये रूल नंबर 11 फिनिश होता है। अब आते हैं रूल नंबर 12 पर। रूल नंबर 12 में आपको बता दो, डेयर और नीड आपकी सेमी मॉडल्स होते हैं, इनको सेमी मॉडल्स माना जाता है, ये आपका मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, इनका यूज आपका मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, तो इनमें आपका जो क्वेश्चन टैग में तो मेन वर्ब की तरह किया था, ये आपकी वर्ब हुई, तो क्वेश्चन टैग में आपके यही पहले आएंगे, डेयर अगर किसी भी में डेयर या नीड आता है तो यही लोग पहले आते हैं, डेड आइंट आर दे कैन ये कुछ नहीं आता, जैसे ही डेयर नॉट स्पीक सो तो नॉट है तो डेयर ही She need not come here. तो need she. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं dare not या need not का आपका इसमें auxiliary तरह किसका यूज किया गया, auxiliary तरह किसके, इसलिए हमने यहाँ पर यूज नहीं करा किसका, did, do, this, बाकी जितने भी आपके helping verb उनका यूज नहीं किया। इसी के साथ आपका रूल नंबर 12 फिनिश होता है। अब आपको मैं बता दूं रूल नंबर 13 क्या, जी हाँ रूल नंबर 13 और लास्ट रूल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे हैं आगे और भी, लेकिन आपके ये सिलेक्टेड रूल थे। 13 रूल में आपका ये, इसमें आप अगर किसी भी सेंटेंस में आपका यूज्ड टू का यूज होता है तो इसमें आपका जो क्वेश्चन टैग में होगा आपका यूजेंट या फिर आपका डिडंट का यूज करता है, पहले मैंने आपको यूज्ड टू का यूज बताया, उसमें आपका डिड का यूज होता है, तो आप यहाँ पे किसका यूज नॉट में आपका जैसे यूज टू होता है तो यूजेंट या फिर डिडंट का यूज करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव अफर्मेटिव बनाते हैं तो आपका यूज या डिड का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ आपके 13 रूल्स आपके क्वेश्चन टेस्ट के फिनिश होते हैं। तो व्यू गाइस आपको समझ में आया होगा, सो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जरूर लिखें आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। सो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।